Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new uploads. सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा प्यार भरा राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आपको मालूम है कि कल मीन्स 14 दिसंबर को हम लोग राम मंदिर निर्माण हो उस पक्ष में एक शांति पद यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें हजारों हजारों लोगों की तादाद में शांति मार्च में सब लोग चलेंगे। बड़े दुख की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमें अपने राम मंदिर के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वो भी बहुत लंबी लड़ चुके हैं और अभी भी कोर्ट ने कह दिया कि भाई बाद में देखेंगे, अभी ऐसा नहीं सिस्टम। तकलीफ इस बात की है, जब हमारे अयोध्या में मंदिर तोड़ा गया था तब किसी ने अनुमति नहीं मांगी थी हम लोगों से, तोड़ दिया गया था। पर इसके बावजूद भी हम सनातनियों का, भारतीयों का बड़ा प्रेम है, उस प्रेम के कारण ही हम लोगों का कितना शांति वृत्ति का स्वभाव है कि आज तक हम पिछले 70-80 सालों से तो इस बात पे ही बात चल रही है कि हमको शांति से राम मंदिर बनाने दिया जाए और उसका इंतजार कर रहे हैं, बड़ा पीसफुल इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम उसके प्रति कुछ आया नहीं है, ऑर्डर कोई आया नहीं है, निर्णय कुछ हुआ नहीं है। मेरी समझ से देर से आया हुआ न्याय भी अन्याय से बड़ा हो जाता है। तो अब हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात है कि हम लोग राम मंदिर सिर्फ अयोध्या में बनवाने की बात कर रहे हैं और ये बहुत प्रूफ देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इतने प्रूफ दिए जा चुके हैं, इसके बावजूद भी हमें को इंतजार करना पड़ रहा है। तो वो हम चाहते हैं कि कोर्ट भी हमारी भावनाओं को समझे, सरकार भी हमारी भावनाओं को समझे और सरकार के पास आखिरी मौका है इसी, क्योंकि जो सत्र है शीतकालीन सत्र ही आखिरी है। तो आप सभी के माध्यम से, पूरे मीडिया के माध्यम से हम ये निवेदन करेंगे सरकार से भी कि अध्यादेश लेकर आए और अध्यादेश लाकर इसको पास कराए और राम मंदिर बनवाए। जैसा कि संयुक्त पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई जा सकती है, राज्यसभा लोकसभा, और उसमें एक कानून बनाकर उसको पास करवाया जा सकता है। तो वो राम सनातनियों की श्रद्धा का विषय है, तो हमें उस श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए। और फिर कितना और मुद्दा चलाना है इसको, कितना और मुद्दा चलाएं, मुद्दा चलना था, आप आ गए, आपका हो गया, अब तो कम से कम जो श्रद्धा है उसको पालन करें। और अगर सनातनियों की श्रद्धा आप सम्मान करेंगे तो निश्चित वही सनातनी आपका सपोर्ट भी करेंगे, चाहे जो भी पार्टी, सभी पार्टियों को एक साथ खड़े होकर, एक साथ खड़े होकर एक बार कह देना चाहिए कि मंदिर आप बनाइए, तो उसका लाभ सभी पार्टियों को मिलेगा। सर फिलहाल तो राजनीतिक में या धार्मिक विषय में राम मंदिर का इशू चल रहा है, क्या हमें अब 92 की वही वारदात फिर से नजर आएंगी क्या? उतना आक्रोश है हिंदुओं में, क्या कहेंगे? इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? सर केंद्र में हिंदू संगठन है। नहीं, मैं किसी बात को नहीं मानूंगा इस समय। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में थी बात, चाहते तो जजमेंट दे देते, सारी बातें खत्म हो जाती, किसी पार्टी को उससे मिलना ही नहीं था। कोर्ट ने करा दिया, कोर्ट की बात हो जाती, न किसी को लाभ होता, न किसी को हानि होती, वेरी सिंपल। लेकिन कोर्ट ने डिनाई किया, कोर्ट ने देर की, और कोर्ट ने देर की, उसका अब एकमात्र उद्देश्य, अब एकमात्र लक्ष्य यही है कि अध्यादेश लाया जाए और अध्यादेश लाकर कानून बनाकर मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए। और हम सब जानते हैं अयोध्या में राम आए हैं, हम सब जानते हैं कि जिन लोगों ने भी वो मंदिर तोड़ा था उन्होंने आज्ञा लेकर नहीं तोड़ा था, उन्होंने हमसे पूछ के नहीं तोड़ा था कि ये मंदिर पुराना हो रहा है तो हम तोड़ दें। तो ये सब हमारे लोगों के साथ जो बुरा हुआ है उसे सही करने का अवसर हम सब के पास में है और हम सबको मंदिर का निर्माण करना चाहिए मिलजुल के। अगर सारी पार्टियां सब एक साथ होके ये मंदिर बनवाएंगी तो किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी? सबको पता होगा, सबने मिलकर अध्यादेश पास कराया तो सबका ही लाभ होगा, सब लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तो सबको एक साथ मंदिर निर्माण में आगे आना चाहिए। फिलहाल अभी सेशन चल रहा है लोकसभा का, उसमें क्या कायदा पारित होना चाहिए कि क्या कहेंगे? इसीलिए तो हम लोगों ने ये शांति पद यात्रा निकाल रहे हैं और इसीलिए सभी पार्टियों का आह्वान कर रहे हैं कि आप इस शांति पद यात्रा में सम्मिलित होइए और आप सबको बताइए कि हम मंदिर निर्माण के वासुदेवाय हरे परमात्मने